एवरीवन फ्रेंड्स, अभी हम सभी लोग प्रेजेंट हैं दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में एक 5-स्टार रूम है, उसी में हम सभी लोग प्रेजेंट हैं। और इस रूम का खासियत ये है कि रूम जहां से हम अभी वीडियो बना रहे हैं, इस रूम से रूबरू आपको बाद में कराएंगे, लेकिन रूम का खासियत बताना चाहेंगे। ये 5-स्टार होटल तो है ही है, लेकिन एक ऐसे जगह पर दोस्त पहाड़ के गोद में बसा हुआ है, और जहाँ से पहाड़ आप देख सकते हैं दोस्त, हिमालय पर्वत। ये हिमालय पर्वत है दोस्त, हम खिड़की से वीडियो बना रहे हैं। ये हिमालय पर्वत है, और इस हिमालय पर्वत का हमारे सभी बिजनेस पार्टनर ने बहुत ही, और इधर बादल है इसलिए नहीं दिख पा रहा है कुछ, जिस इधर धूप है इधर से हिमालय पर्वत दिख रहा है दोस्त। आप देख सकते हैं क्या गजब का लुक है। थोड़ा सा हम करीब कर लेते हैं, और करीब करके दिखा लेते हैं। ये है दोस्त हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत है दोस्त, और यहाँ पे हमारे कुछ और भी बिजनेस पार्टनर नीचे वीडियो बना रहे हैं। बाकी हमारे रूम से रूबरू कराते हैं, रूम का सभी बिजनेस पार्टनर है। क्या गजब का रूम है, सभी लोग अभी एक रूम में इकट्ठा हो गए हैं। तो थोड़ा कुछ ही सेकंड में सभी लोग अपना अपना परिचय दें। आपको यहाँ पे दार्जिलिंग आने के बाद हिमालय पर्वत आपने देखे हैं, और कैसा महसूस हो रहा है नाइट, जो अपने 2 नाइट बिताए हिमालय पर्वत के बीच में, हिमालय पर्वत की गोद में, पहाड़ियों की गोदियों में जो आपने 2 नाइट बिताए, आपको कैसा महसूस हुआ करके बताएंगे। देखिए हमारे लगभग 7 से 8 बिजनेस पार्टनर यहाँ पे हैं, तो मिलते हैं। सबसे पहले मिस्टर कपिल सर, शॉर्ट में बताएं सर। जी सर नमस्कार। कहाँ से सर आप? यूपी जौनपुर से सर, सागर। जी सर, तो आपको कैसा महसूस हुआ हिमालय के गोद में नाइट बिताते हुए, 2 नाइट 3 डे, कैसा महसूस? यहाँ का जो 3 डे और 2 नाइट है, और यहाँ का जो दिख रहा है नजारा सर, गजब का ही लुक दिख रहा है। यहाँ पे हिमालय पर्वत यहाँ से आज हम लोग लास्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज का मौसम बहुत काफी क्लियर, और आज तक हम लोग ऐसा नजारा कभी नहीं देखा जो मूवियों में देखा करते थे, और आज हकीकत में हम लोग ने देखा। थैंक यू सर। अच्छा, ओके जी। राजू सर आप बताएं कहाँ से सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है 2 नाइट 3 डे के बाद? जी मैं MP से हूँ, राजू मेहरा मेरा नाम है, और जो दार्जिलिंग में 2 नाइट 3 डेज हमने बिताए, गजब का अनुभव रहा। और यहाँ से बहुत वादियाँ देखने को मिला, और आज पूरा मौसम साफ होने के कारण हमको हिमालय की चोटी भी देखने को मिला दोस्तों। गजब का फीलिंग हो रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है ना कि बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता दोस्तों। बाकी थैंक यू। चलिए धन्यवाद। बाकी हमारे बीच में एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर सुरेंद्र सर, देखते हैं क्या गजब का लुक, क्या गजब का स्टाइल में बैठे हुए हैं। जी सर बताएं आप कहाँ से हैं, और आपको 2 नाइट 3 डे में कैसा महसूस हुआ? जी नमस्कार सर, और मेरा नाम सुरेंद्र यादव, और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज हम दार्जिलिंग टूर में है, जो कि 2 नाइट 3 डे का था। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे का फीलिंग रहा, काफ़ी जगहों पे हम लोगों ने घूमा, और सबसे बड़ी चीज़ की हम जिस चीज़ को दूर से देखा करते थे, आज बहुत नज़दीक से देखे, जो कि हिमालय पर्वत, जो कि हम हमारे रूम के सामने ही दिखता है। तो बहुत जबरदस्त फीलिंग रहा, और काफी एंजॉय किए। बाकी थैंक यू सो मच। चलिए, और हमारे बीच में एक बिजनेस पार्टनर है विश्वजीत सर। जी सर आपको कैसा लग रहा है सर हिमालय पर्वत के गोद में नाइट क्यों बिताएं? नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा हम लोग को महसूस हो रहा है। हम, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है, और हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, और हम लोग अभी दार्जिलिंग में 2 नाइट 3 डेज का ये टूर घूमे, और यहाँ का सारी वादियों का एंजॉय लिए, और यहाँ का मौसम और यहाँ का हवा देख हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और हम लोग 3 दिन से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। चलो धन्यवाद जी। मिस्टर रोहित सर हमारे बीच में है, जो कंपनी का रॉयल क्राउन है, क्राउन लेवल पे काम कर रहे हैं, रॉयल क्राउन का तैयारी कर रहे हैं। जी सर आपको 2 नाइट 3 डे पहाड़ की गोदियों में, हिमालय की गोदियों में कैसा महसूस हुआ आपको? दोस्त जैसे कि बता दें आपको, मेरा नाम है रोहित कुमार, और हम बिहार के बहुत ही सुंदर और सुनहरा जगह है दरभंगा, हम वहाँ से हैं। और हम अपनी लाइफ में बात करें तो जो कभी सोचे भी नहीं थे, जो हम सब भी एक दिन बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, बड़े बड़े पर्वतों में घूमेंगे, और नहीं हम कभी सोचे थे जो बड़े बड़े लोगों के साथ उठेंगे और बैठेंगे, और बड़े बड़े चिड़ियाघर घूमेंगे। हम सब सोचते थे पहले जी ये सब बड़े बड़े लोगों, पैसे कमाने वाले लोगों का काम है, हम सब तो नॉर्मल फैमिली से हैं तो कैसे जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्त, आज हमें बहुत गर्व होता है, और इसीलिए हम अपना नाम जो है पूरा नाम कर दिए हैं, रोहित कुमार एंड रिहब ग्लोबल। चलिए धन्यवाद जी। जी सर बोले सर, तब तक के थैंक यू जी। हमारे बीच में नेक्स्ट बिजनेस पार्टनर मिस्टर सुमन तिरके सर, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। सर आपको कैसा लग रहा है रिहब ग्लोबल में आने के बाद? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन तिरकी है, मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर
कभी हम सोचा करते थे कि दार्जिलिंग कभी जाएंगे घूमने फिरने के लिए, पर ऐसे जगह में हम एफर्ट नहीं कर पाते थे कि इसका चार्जेस जो है वो लेवल है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से, पर आज दोस्तों ये रेहब के वजह से सब चीज़ संभव है। आज हम लोग फाइव स्टार होटल में हैं, अच्छा से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हिमालय की चोटी दर्शन करा रहे हैं और दार्जिलिंग घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सब भी आइए, हम सब के साथ जुड़ के एक अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छा एक परिवार बनाते हैं और रेहब के जो टूर है वो अचीव करते हैं और एंजॉय करते हैं। सो थैंक्स, धन्यवाद। हमारे बीच में नए बिजनेस पार्टनर सुमित सर हैं। जी सर, आप भी बताएं कहाँ से हैं और आपको यहाँ आने के बाद हमारे परिवार में कैसा महसूस हो रहा है? सबको धन्यवाद। मैं वेस्ट बंगाल सपेगुड़ी से हूँ। तो ये जो दार्जिलिंग में जो महसूस हुआ है, ये हम लोग को सिक्किम साइड में भी होता है, प्लस जो ये आने के जो है, जो ये जितना हम लोग को बिजनेस पार्टनर है, सबसे मिलकर बहुत बहुत बढ़िया लगा। चलिए, तो देखिए तो हमको बोले से अपना अपना फैमिली जैसे ही लगा। प्लस क्या बोलूँ, यहाँ का जो वादियों जो घूमने का, यहाँ का जो महसूस कर रहा है वो चीज़ कुछ अलग ही है। इसलिए हम तो बोलना चाहते हैं कि आप भी कंपनी में इसमें आइए, हम लोग से फैमिली बनिए, आप भी मजा उठाइए, लुत्फ उठाइए, बस इसलिए। तो आप रेहब परिवार को बड़ा करने के लिए तैयार हैं सर? सर हम तो बोलते हैं मेरा तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश कर चुका, इसके लिए से आप इतने ही बोल सकते हैं। हमारे रूम में जितने भी बिजनेस पार्टनर थे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रूम में नहीं था, तो उसको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है, तो एक बार थोड़ा दोस्त नेचर का, क्योंकि दोस्त यहाँ दार्जिलिंग नेचर कहा जाता है, जो कि देख रहे हैं हिमालय के गोद में फिर से बादल छा रहा है, अब थोड़ा थोड़ा कम दिखना चालू हो गया है और चारों साइड दोस्त हरियाली ही हरियाली है, सीढ़ीनुमा घर, ये सब यहाँ का दोस्त खासियत है। बाकी हम कभी ज़रूर आपसे रूबरू होंगे फिर से। बाकी आप देख सकते हैं पहाड़ों के गोद में किस तरीके से बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, किस तरीके से कुछ घर मकान वगैरह भी है चारों साइड। बाकी दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।